ये देखिए जी, नजर आ रहा होगा आपको, अस्सलामुअलैकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग। आप कह रहे होंगे किधर गायब हूँ, कहाँ चली गई हूँ, और आ भी गई हूँ नॉर्वे, वो तो आपको बताया था, लेकिन कहाँ गायब हूँ और वीडियोस अपलोड नहीं कर रही। तो मैंने सोचा चलें आज आपको स्नो भी इधर खड़े होके विंडो के पास दिखाती हूँ और साथ आपसे गपशप भी करती हूँ। और कल से कुछ थोड़ी सी तबीयत थी मेरी नासाज, यानी क्योंकि परसों हम निकले थे मैकडोनल्ड खाने, तो यहाँ -15 था। तो मैं बच्चों से कह भी रही थी कि मैंने नहीं जाना क्योंकि मुझे ठंड लग जाएगी, मुझे शक है, और वही हुआ। क्योंकि हम जब पॉजिटिव नहीं सोचते तो हमेशा हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाऊंगी होपफुली, और इतना कोई ख़ास नहीं, लेकिन ये है कि हो जाते हैं ना नरम गरम के। और बाहर का व्यू भी आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने सर को ढांप लिया था ताकि ना इससे स्कार्फ से ताकि थोड़ा सा गर्म रहे। वैसे ठीक हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। और वही फ्लू वैक्सीन भी लगी हुई थी, डबल डोज भी हुई हुई है, यानी डबल वैक्सीनेटेड भी दोनों, लेकिन फिर भी हो जाता है ना। तो वही मेरी बेटी कहती है आप बाहर का मंजर दिखाए हूँ आपको, कब से स्नो हो रही है, काफ़ी दिनों से, लेकिन अभी इस वक्त जारी और सारी है। वैसे तो रुकी हुई दिखाई थी लेकिन इस वक्त हो रही है, तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। आप सुनाएं आप सब कैसे हैं, कैसा मौसम चल रहा है आप सबकी पाकिस्तान में, यूके में तो बता रहे हैं ना, मेरा बेटा उधर ही है, बता रहा था कि उधर लंदन में भी थोड़ी स्नो हुई है। तो लंदन में ऐसे ही होता है, इतनी ज़्यादा कभी कभी होती है, हर दफ़ा नहीं होती। बाहर का मंजर आपको भी दिखाती हूँ, और खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ कहीं भी रहे। और मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको बताइएगा। अभी बहुत सारे क्लिप्स पड़े हैं इनफैक्ट, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, और गपशप और ये वो, और बिजी रहते ना तो टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा। तो इंशाल्लाह होपफुली अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने वाली बाकी हैं, और क्लिप्स पड़े हुए रखे हुए इंशाल्लाह ताला, वो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी चलता। तो चले मैं आपको बाहर का मंजर दिखाती हूँ। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर जितने भी थे जल्दी से वापस आ जाए, मुझे नहीं मिल रहे, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, तो ज़रूर आइए और दोबारा से मुझे ज्वाइन कीजिए, और आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और हमें किसी दूसरे की लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जिसके साथ में दिल से हो, अच्छे तरीके से हो। नहीं दिल मानता किसी के साथ होने को तो फिर मतलब नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर किसी के साथ हम चलें तो अपने दिल और पूरी दिल से और पूरी ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ और प्यार मोहब्बत से चलें, और अगर नहीं है तो ऊपर ऊपर से अच्छे हो के अंदर से वो बात अच्छी नहीं है, है ना। तो चलें आपको दिखाती हूँ बाहर का मंजर, में स्नो देखिए मेरे साथ, इंजॉय कीजिए। ये देखिए जी, नज़र आ रहा होगा आपको स्नोफॉल कैसे गिर रही है, कितनी खूबसूरत लगती है गिरते हुए। गो के ठंड है लेकिन टेरेस से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी लोग ये ना कहे कि हमारे घरों की बना रही है, तो इधर उधर से टेरेस में बाहर जा नहीं रही, ठंड पड़ी है, ठंड बहुत लग रही है, और होगी बाहर, अंदर तो हीटिंग भी है, हीटर भी चल रहा है, लेकिन मैं इस तरह आपको दिखा देती हूँ, इस तरह तो उस तरह क्या कहते हैं ये देखिए दरमियान में देखिए आप ज़रा, और ऊपर आसमान की तरफ तो नज़र नहीं आने वाला, थोड़ा ही आएगा, चलें जो भी है आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये स्नो, ये स्नो, ये स्नो अभी थोड़ी थोड़ी पड़ी है, होपफुली ज़्यादा होगी। नीचे देखिए ज़रा, एंजॉय कर रहे हैं ना, कैसा लग रहा है आपको? चलिए मेरे साथ रहिएगा। आज हमने नाश्ता मंगवाया है, अभी मेरा दामाद लेने गया। देखें जी नॉर्वे में स्लो स्नो, स्लो नहीं स्नो, एक लेडी जा रही है, वो चली जाए तो फिर बनाती हूँ।
तो संडे है ना, लोग हैं, नज़र आ रहे हैं, वरना सब गए होते। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा थंबनेल पे कि कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है और एक गमगीन सी इमोजी है साथ, तो यकीनन इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये हम गए थे, एक रात का मंजर आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी ठंड में। इससे पहले मैं आपको कह चुकी हूँ ना, मुझे ठंड लग चुकी थी, तो अगर हम इस वक्त -15 में निकलेंगे बाहर सिर्फ KFC सॉरी मैकडोनल्ड का बर्गर खाने के लिए, तो क्या हाल होगा ना। ये सामने एक स्टार जो इन्होंने बनाया वह वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन दिन के वक्त ज़्यादा अच्छा लगता, नज़र आता प्रॉपरली, लेकिन आपको एक खड़ा सितारा नज़र आ रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बर्फ स्नोफॉल होती है हर रोज़, लेकिन इतनी मतलब इतनी ही होती है जितनी के बर्दाश्त की जा सके, और बहुत ज़्यादा नहीं हो रही अभी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है स्नोफॉल। वो तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, खैर बहुत छोटे। 1 मिनट वाली तैयारी, सो रही है देखते अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाय टू माय यूट्यूब फैमिली। हम जा रहे हैं आज मैकडोनल्ड, भूख लगी थी और तो हमने क्या करना है कि घर लेके आना है ये, घर लेके आना वहाँ बैठ के नहीं खाना। तो कोविड ये के वजह देखिए से मेरा हो मेरा आउटफिट, और ये देखिए और ये देख ये आई सर। चलो तुम लोग आगे, मैं देख हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? ये सेल्फ सर्विस है कॉफी की। अच्छा, इस व्लॉग में सारे मैंने क्लिप्स डाले हैं ना, ये हम पहले जूते लिए, बेटी के शूज़, उसको कम्फी से एक शूज़ चाहिए थे पहले थे, तो लेकिन ये कह रही थी कि मैंने देखे फिर मैंने लेके दिए। माएँ तो ऐसी ही होती हैं ना, तो उसकी शॉपिंग अभी तक जारी और सारी है। और फिर ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है रात का, और कहाँ कहाँ दावतें खाई, और बस कहाँ कहाँ खाई और कहाँ नहीं खाई सब कुछ आपको बताऊंगी। कुछ मसले मसाइल होते हैं ऐसे, और कभी कभी इंसान सोचता क्या है और होता क्या है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि मतलब लाइफ ऐसे चेंज हुई है ना मेरी कि हो जाती रही है, होती रही है, यानी इतने अरसे में जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, तकरीबन उनको भी हो गया है 26 साल, 25-26 साल, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। बस लोगों को ऐसे लगता होगा दूसरों को कि इतना अरसा हो गया, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को ऐसा नहीं लगता। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब की बात है, और यहाँ पे सारी फैमिली मेरी जो है ना, मेरे इन लॉज की वो रहती है तकरीबन, और इन लॉज के इन लॉज भी समझ लें कि मेरी दोनों नंदे यहाँ रहती थी, और आगे से जो बड़ी नंद है उसके तो सारे इन लॉज यहाँ पे रहते हैं। तो आज एक मेरी बेटी ने मतलब कहने, और जो नंद की बेटी है, नंद तो खुद तो नहीं है, दोनों नंदे इस दुनिया में बहुत जल्दी यहाँ से चली गई, इस दुनिया से कूच कर गई और इंतकाल फरमा गई, लेकिन यह है कि उनके बच्चे आगे उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, और उन्होंने मुझे दावत पे बुलाया था। मैं तो कहा इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आप हमारी बड़ी हैं और आप ही हैं, अब मामा तो है नहीं, दोनों की मामा नहीं है, इसलिए मेरा जो बहन जो मेरा दामाद है वो भी मेरा नंद का छोटी नंद का बेटा है, और बड़ी नंद का बेटा बेटे एक बेटा और 3 बेटियां यहाँ पे रहती हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं आगे। और माशाल्लाह से अच्छा लगा उनसे मिलके काफ़ी अरसे बाद, और ये मेरा दामाद अपनी गाड़ी आप सबको दिखा रहा है, कह रहा है अपनी आपकी यूट्यूब फैमिली को, तो माशाल्लाह कह दीजिएगा एक बार ज़रूर। और बच्चों के शौक़ होते हैं ना, इसको भी मेरे बेटे की तरह ऐसे ही है, ये यंगस्टर जितने भी हैं इनको गाड़ियाँ वाड़ियाँ बाइक्स वगैरह के शौक़ तो होते हैं, सबको पता है। तो ये मैं आई हुई थी अपने एक भांजे भतीजे के घर, ये जिसका घर है मेरे कज़न यानी मेरी छोटी नंद का बेटे का घर है, और वो उसके साथ कितने रिश्ते हैं कि आपको क्या बताऊँ बहुत सारे रिश्ते हैं, क्योंकि हम लोगों के माँ बाप भी आपस में कज़न थे, और ये खाने के बाद कुछ लवाजमात थे, खाना भी बहुत मज़े का था खाने के बाद के ये, तो साथ थोड़ा बहुत हो रहा था। ये दूसरी जो वो है ना खाना, उन्होंने खाना जो सर्व किया था वो है बाद का, वो क्लिप था और पहले डाल दिया मैंने, सॉरी ये खाना पहले था उसके बाद।
अच्छा ये जो दावत आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मेरी जो छोटी नंद है उसके बेटे के घर गए थे, और बाद में जो मेरी बड़ी नंद थी, दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, और कुछ अर्सा पहले ही उनका इंतकाल हुआ, तो वो उनके घर गई थी। लेकिन घरों की इसलिए मैंने नहीं बनाई कि कोई आना चाहता है वीडियो में, कोई नहीं, तो इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। अगर पूछती तो बस वो मैंने खाने का ही पूछा कि मैं इसकी बना लूँ, ये भी पूछ के बनाई थी, तो उन्होंने कहा ज़रूर आंटी आप बना लें। अगर मैं पूछती कि मेरे साथ आना है वीडियो में तो आप भी जाते, दामाद तो आपने मेरा देखा है वो आता है। और यहाँ हम आए थे फूल लेने के लिए, क्योंकि जो दूसरी जगह जाना था बड़ी नंद की बेटी के घर जो दावत थी उसको, वैसे तो इतनी ठंड है यहाँ पे बाहर निकला ही नहीं जाता, उन दिनों ज़रा फिर भी ठीक था, और अब तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब तो मैं कहीं भी नहीं जाती, घर पे ही रहती हूँ ज़्यादातर ना। और ये मॉल में आए थे, बहुत खूबसूरत सा तो आपको दिखाती हूँ, वो आपको अच्छा लगेगा। और जो मेरे भाई बहन हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मसीह बराती से बहुत खुश होंगे, इंजॉय करेंगे कि ये उनके लिए। ये यस सर, यस सर, मुझे याद हो गया, आस्ते आस्ते सब याद हो जाएगा, जाने तक ना कुछ ना कुछ सीख ही जाए। फैमिली फन टाइम लूडो, ये जो छे आ गए, अब क्या करूं, फिर से एक और ऐसे के मुझे सिखाया जा रहा है। ओ छे और एक, छे और एक जी, ठीक है। चलो भैया अली की बारी है, अब चार बात है, टू टू वो आगे करना वाली, ये वाली वो वाली नहीं, इधर नहीं थी, इसे पीछे नहीं थी, इधर थी, नहीं बोलना थोड़ा सा मुश्किल भी लगा, म्यूट कर दो ठीक है। मामा का घर पे ही अभी, और आमनार मेरी, ये देखें देखें पाकिस्तान वाली लूडो है ना, बिल्कुल यहाँ उस पे खेल रहे थे, और मैं बहुत अरसे बाद खेली हूँ, कभी कभार ही खेला करती थी, लेकिन यह है कि अच्छा लगा मुझे। ये हम शॉप पे आए थे, कोई एक दो स्वेटर्स ली, बल्कि मैंने नहीं ली, मेरे दामाद ने लेके मुझे दी, मैं तो खुद ले रही थी, लेकिन उसने फिर, मैंने कहा डील पे शोर करना अच्छा नहीं लगता कि नहीं मैं दूंगी मैं दूंगी, तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत डाले, और सभी बिल्कुल मेरे बेटों जैसा है, कोई ऐसा उसमें, क्योंकि हमारे कई रिश्ते हैं एक दामाद के अलावा जो है ना, जैसे हमारे माँ बाप भी कज़न थे, जैसे हम हैं ना, मेरे हस्बैंड थे, मैं और जो मेरी नन थी, हमारे सब माँ बाप कज़न, और आगे से भी इसी तरह मतलब ख़ानदान में ही शादियाँ हुई, तो सारे कई कई रिश्ते आते हैं। जो मेरा दामाद है वो मेरे जो है कज़न, चचा का बेटा एक तरफ से, उधर से मेरा भतीजा लगा, और मेरी जो इसकी जो वालदा थी यानी मेरी नंद भी थी, मेरी खाला की बेटी, उधर से मेरा भांजा भी लगा, दामाद भी, देखें कितने रिश्ते हैं ना। तो अच्छा लग रहा था, ये देखें उस वक्त तो सूरज फिर निकल रहा था, तो फिर दावत पे जा रहे थे, तो उससे पहले मैंने कहा चले खाने नहीं जाते, वैसे संडे था, केक वगैरह नहीं मिल रहा था, यहाँ बंद थी शॉप, मुझे नहीं पता था। और ये देखिए आर्टिफिशियल फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल रियल लग रहे हैं, प्यारे लगता है, ओरिजिनल है ये कैक्टस के, और ये पाकिस्तान में मिलते हैं ऐसे। हाँ फिर यहाँ से हमने एक फ्लावर लिए थे, और चॉकलेट्स नहीं थी मेरे ख्याल में बच्चों के लिए, तो उनके बच्चों के लिए, और वहाँ गए थे, फिर दोनों बहनें थी, मतलब जिन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, मेरी नंद बड़ी नंद की बेटियाँ, तो एक ने कहा कि मेरे घर खाना खाएं, दूसरी ने कहा कि नहीं मेरे घर आके, तो फिर उसके बाद जो चाय वगैरह जो टी पार्टी है वो हमारे घर हो, तो मतलब वो भी आपको क्लिप्स उसमें डालिए, मैंने देख लीजिएगा। तो खाने की बात नहीं होती, बात ये होती है कि कोई के दिल से अगर बुलाए, उन्होंने मेरा मतलब बड़ा समझ के मुझे बुलाया और मुझे रिस्पेक्ट दी, उनका थैंक यू सो वेरी मच, उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर उनकी माएँ ज़िंदा होती, देखे मैं कह रही थी कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है
क्योंकि जब वो पर्पल थी कैसे यहाँ पे लग तो रहे तब हैं? मैं नहीं कभी नॉर्वे आई थी, और जब मैं नॉर्वे आई हूँ तो वो दोनों नहीं है। तो ऐसा ही होता है ना लाइफ में कभी कभी। तो ये देखें कितने मुझे प्यारे प्यारे पर्पल फूल अच्छे हैं। लग, ये अच्छे। हाँ ओ ये अच्छा है, ये बहुत लो, ये अच्छा वाला लग लो, रहा है। ये माशाल्लाह ये यूनिक कैसे कलर है ना सही कहा तक चल दादा, जाएगा? तो ये ले ले तो बहुत ये प्यारा ले लो। ठीक है, फूल लेने आए, फूल लेने। बस फूल लेके फिर चल पड़े थे उनके घर की तरफ। तो अब जाएंगे और देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को लेके सब्सक्राइब बनाती किया उनका हूँ। बेहद शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया काइंडली कर लीजिए, होपफुली आपको मायूसी नहीं होगी और आपको अच्छा लगेगा। और ये देखें टी पार्टी के जो मैं कह रही थी, ये सारी चाट भी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, मज़े की, और चाय भी थी, कोक वगैरह भी थी, कोल्ड ड्रिंक्स भी थे, खाना तो खाना और अच्छा लगा। और सबसे मिल के उनके रिस्क में और इजाफा करे। और ये जो उससे पहले दावत खाई थी उसका है, दोनों बहनें हैं और ज़्यादा दूर नहीं रहती, तो असल में वो चार बहन भाई हैं जो इधर रहते हैं प्यारे नंद के, और छोटी नंद के जो है ना तीन बच्चे यहाँ पे होते हैं। तो ऐसा ही है, ये देखें ट्रीज इन्होंने सजाए हुए थे अपने क्रिसमस जो इनका आ रहा है उसके लिए। वो मैंने कहा चलें उसको थोड़ा कैप्चर कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।